अशोक लेक्चरर चैनल में आप सभी का स्वागत है और मेरा अगला बीए फर्स्ट ईयर इंग्लिश का लेक्चर है। तो आज मैं इंग्लिश बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट यूनिट थर्ड यूनिट के लेक्चर को बताऊंगा। फ्रांसिस बेकन के बारे में बताऊंगा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेकन स्टाइल का, जो हर साल बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है। तो इस पर एक हम फंक्शन डालते हैं, तो इम्पोर्टेंट फंक्शन फॉर योर डिसिप्लिन कंडीशन टू योर प्रोवाइड इन द फ्रांसिस बेकन। तो आज हम फ्रांसिस बेकन के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा परिचर्चा करेंगे और इस वीडियो को आप देखना ना भूलें, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट वीडियो है, बीए फर्स्ट ईयर के लिए एक औषधि का काम करेगा और ये इसमें से बोर्ड की परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसलिए इस विशेष लेक्चर पर आप ज़्यादा से ज़्यादा परिक्रमा करें और इस वीडियो पर लाइक करना ना भूलें, क्योंकि साइड का जो बटन होता है जिस पर अंगूठे का निशान बना होता है उस पर आप लाइक करना ना भूलें, क्योंकि ये ज़रूरी भी है, क्योंकि जब आपको पसंद आएगा तो आप ज़रूर लाइक करेंगे वीडियो को। तो इसलिए इस पर आप लाइक ज़रूर करें। तो फ्रांसिस बेकन के बारे में बताता हूँ मैं, यानी कि सबसे पहले मैं इनके ऐसे पर विचार विमर्श करता हूँ, यानी कि ऐसे है इनका ऑफ स्टडीज। तो ऑफ स्टडीज के बारे में मैं अध्ययन करूँगा। तो ऑफ स्टडीज एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको फंक्शन वेराइजेशन के बारे में बताती है। तो आप आज का जो टॉपिक है मेरा फ्रांसिस बेकन का है और ब्रीफ समरी ऑफ द एसे ऑफ स्टडीज ऑफ मुख्य कहानी का जो अंश है ऑफ स्टडीज की मुख्य कहानी है आज इसके विषय में हम ज़्यादा से ज़्यादा परिचर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहले मैं इंग्लिश वर्जन पर परिचर्चा करता हूँ, इसका इंग्लिश वर्जन है, इंग्लिश वर्जन पर परिचर्चा करता हूँ। तो इंग्लिश वर्जन क्या है, इसमें सबसे पहले मैं इनके इंग्लिश वर्जन ऑफ स्टडीज के इंग्लिश वर्जन पर परिचर्चा करता हूँ। नंबर फर्स्ट है इसमें इंट्रोडक्शन द एसे ऑफ स्टडीज बाय बेकन ऑफ फादर ऑफ इंग्लिश एसे इज ए ब्यूटीफुल एनालिसिस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडीज इन द लाइफ ऑफ मैन। नंबर सेकेंड पर्पजेज ऑफ स्टडीज बेकन ऑब्जर्व दैट स्टडीज सर थ्री फोल्ड पर्पजेज दे प्रोवाइड सर्च ऑफ प्लेजर सर फॉर ऑर्नामेंट एंड एड टू द एबिलिटी एमंस एबिलिटी इट इज एज अंडर। नंबर ए फर्स्ट स्टडीज गिव प्लेजर टू मैन व्हेन ही यूजेस देम इन हिज डिस्कशन। सेकेंडली स्टडीज इनेबल हिम टू डेवलप इनटू ए गुड टॉकर। थर्डली स्टडीज गिव मैन एबिलिटी टू सक्सेसफुल हैंडल अफेयर ऑफ लाइफ एंड बिजनेस। नंबर थर्ड है अवॉइड एक्सेस बेकन हैज फाउंड दोज हु स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज आर लेजी बाय टेम्परामेंट द मैन हु मेक्स एक्सेसिव यूज ऑफ हिज स्टडीज इन हिज कन्वर्सेशन इज एक्चुअली मेकिंग इज डिस्प्ले ऑफ हिज लर्निंग दिस कैन बी कॉल्ड हिज वैनिटी। लाइकवाइज ए मैन इफ ए मैन डिसाइड एवरीथिंग ऑन द बेसिस ऑफ हिज नॉलेज एंड रूल्स विच ही हैज लर्न फ्रॉम बुक्स शोज हिज विक्टिमिकली ऑफ नेचर एज स्कॉलर। नंबर फोर है द स्टडीज टू बी परफेक्टेड बाई एक्सपीरियंस स्टडीज आर नॉट कंप्लीट इन देमसेल्फ दे परफेक्ट द नेचर ऑफ मैन एंड देन आर परफेक्टेड बाई एक्सपीरियंस। इन अदर वर्ड
In other words, practical experience is necessary to make a proper use of studies. It is necessary because the guidance a man gets from his studies is vague and abstract. Experience enables a man to use the knowledge acquired from books in practical life. Number six, various views on studies. Bacon has found the cunning persons do not approve studies. The simpletons admire studies. They are pleasantly surprised to see or meet the intelligent ones. And it is wise who make a proper use of their studies. Number six is the choice of books of equal importance is the judgment as to which book is to be read and not. Some books are to be read in parts only. Some others are to be read quickly and hastily. But there are some books, although they are not too many, which should be read thoughtfully and closely. The man should understand everything deeply. Number seven, less important books. There are some books which can be read through others. A man may appoint some of to read the books. Who may prepare a summary or excerpt of the same. But this is not very sound method. It should be applied only in case of chapter. Cheaper and manner sort of books, making summary or synopsis will not satisfy an intelligent person. They are like distilled water, which is tasteless. ये तो था English version. अब मैं Hindi version के बारे में बताना चाहता हूँ. इसी का Hindi अनुवाद, Hindi lecture. तो सबसे पहले अब इसके ऑफ स्टडीज का जो निबंध था, इस निबंध की मुख्य कहानी क्या है, तो मुख्य कहानी बताना चाहता हूँ. ऑफ स्टडीज निबंध ये डॉक्टर बेकन फ्रांसिस ने लिखा है. तो फ्रांसिस बेकन का ये जो निबंध है, इस विषय की कहानी बताना चाहता हूँ. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, परिचय. निबंध ऑफ स्टडीज बेकन द्वारा लिखित है, जो अंग्रेजी निबंध के जन्मदाता हैं और एक सुंदर विश्लेषण का अध्ययन आदमी के जीवन के रूप में है. तो दूसरा है इसमें हेडिंग, इसका दूसरा हेडिंग है पर्पजेज ऑफ स्टडीज, यानी कि अध्ययन का उद्देश्य. अध्ययन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये मैं स्पष्ट रूप से आज के इस टॉपिक में क्लियर कर देता हूँ. बेकन निरीक्षण करता है उस अध्ययन का जिसमें त्रिविमीय उद्देश्य होता है, और वो त्रिविमीय उद्देश्य वे खुशियाँ और उन खुशियों का वो स्रोत जो समय समय पर प्रदान होता रहता है, प्रोवाइड होता रहता है, उसके लक्ष्य की सेवा और एक की योग्यता संयोजित होती हैं. तो वो जो निम्न है, पहला क्या है इसमें, वो पहला अध्ययन जो आदमी को खुशियाँ प्रदान करता है, जब वह अपने वाद विवाद उनमें प्रयोग करता है तो वो खुशियाँ, वो उम्मीद. इसके बाद में दूसरा है वित्तीय अध्ययन से अच्छे संग्राह की स्थिति पूर्ण रूप से विकसित होती है, यानी कि अध्ययन से हमारा दिमाग जो है तो विकसित होता है और हम विद्वता की ओर अग्रसारित हो जाते हैं, अर्थात हम विद्वान बन जाते हैं. इसके बाद में तीसरा है तृतीय. तृतीय अध्ययन है आदमी की योग्यता के अनुसार वो सफलता जो जीवन को निर्वाह करने की चर्चा
एवं व्यावसायिक गतिविधियों का एक दायरा होता है, एक दौर होता है, तो वो चीज़ इसमें देखी जाती है। इसके बाद में तीसरा पॉइंट है इसका अवॉइड एक्सेस, और अवॉइड एक्सेस का मतलब होता है वर्जित दिनचर्या। तो वर्जित दिनचर्या के बारे में क्या चीज़ है वो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। तो बेकन पाता है कि वो जो अधिक समय तक अध्ययन में व्यस्त रहता है उसका आकर्षण बिंदु बहुत ही सार्थक होता है। वो आदमी जो अपनी दिनचर्या को अपने अध्ययन में अपने वार्तालाप वास्तविकता की भावना को जागृत करते हुए सीखने की परिपक्वता को दर्शाता है, तो वो यह पुकार सकता है कि जो अपना उद्देश्य है उस उद्देश्य को तो पूरा करे, और साथ के साथ उसी तरह से जिस तरह से यदि एक आदमी का आधार प्रत्येक क्षेत्र उसके ज्ञान का वह केंद्र बिंदु माना जाता है और नियमों के रूप में बदलकर किताबों से संबंधित सीखता है, किताबों से सीखता है और विद्वता के रूप में अपनी जो प्रकृति है उस प्रकृति को ढाल लेता है। यानी कि किताबों से ज़्यादा सीखेगा, और जब ज़्यादा से ज़्यादा किताबों से सीखेगा तो वही प्रवृत्ति एक प्रकार से सक्सेस हो जाएगी। लेकिन वर्जित कहाँ होगा, जहाँ उसका ज्ञान दूसरे उसे एक प्रकार से ये कह रहे हैं कि यह है किताबी ज्ञान है ऐसा कह रहे हैं, तो वो वर्जित धारणा बनी रहेगी दूसरे के प्रति। तो दूसरे की धारणा तो बनी रहेगी, लेकिन आप अपने काम को किए जाएं, यानी कि आगे बढ़ता रहे। दूसरा तो इसमें विरोधी भाव दिलाएगा, वही वर्जित दिनचर्या है। इसके बाद में आता है फोर्थ स्टडीज टू बी परफेक्टेड बाई एक्सपीरियंस, तो अनुभव द्वारा पूर्ण अध्ययन। तो अनुभव द्वारा जब पूर्ण अध्ययन है वो कैसे होता है ये मैं बताता हूँ इस टॉपिक में। अध्ययन हमारे अपने आप में पूर्ण नहीं है, वे आदमी की प्रकृति के रूप में पूर्ण रूप से है तथा अनुभव द्वारा एक प्रकार से पूर्ण है। अन्य शब्दों में भी हम बता सकते हैं प्रयोगात्मक अनुभव अध्ययन की वो आवश्यक स्थिति है जिसका प्रयोग करके एक समान अवस्था बन जाती है, क्योंकि मार्गदर्शन एक आदमी उसके अध्ययन में पाता है जो विशालता और अनुरूप रूप में होती है। इसके बाद में साक्षात अनुभव है, तो साक्षात अनुभव की जो अनुभूति है उसे प्रदान करने की वो स्पष्ट परंपरा रही है, जहाँ आदमी के ज्ञान को किताबों में प्रयोगात्मक रूप में प्रदान कर सकता है। तो ये चीज़ भी इसमें है। और नंबर फिफ्थ है वेरियस व्यूज ऑन स्टडीज, अनेक अध्ययन के दृश्य। तो अनेकों अध्ययन के जो दृश्य हैं वो इस प्रकार से हैं, बेकन ने पाया है कि यदि वह पढ़ता नहीं है तो उसे बहुत चालाक होने की आवश्यकता है, और साधारण रूप से अध्ययन की प्रशंसा करते हैं वे पर्याप्त रूप से अचंभे के साथ देखते हैं, एजिटेट होकर या आपस में आते हैं जाते हैं और संपर्क भी होता है उनसे, तो ऐसे बुद्धि के रूप में पर्याप्त बुद्धिशील व्यक्ति अपने ज्ञान के आकर्षण का वो बिंदु होता है जो अध्ययन में चार चांद लगाता है। इसका मतलब ये है कि अध्ययन जरूरी है मनुष्य के लिए, यदि अध्ययन करता रहेगा बीच बीच में थोड़ा थोड़ा भी नहीं ज़्यादा भी नहीं थोड़ा थोड़ा भी अगर करता रहे तो उसका ज्ञान एक विद्वता के रूप में हो जाएगा, और ज्ञान की वो परख होगी जो उसको विद्वान बना देगी। इसके बाद में नंबर सिक्स है चॉइस ऑफ बुक, यानी कि पुस्तकों का विकल्प कैसे करते हैं। तो पुस्तकों के विकल्प के बारे में बता रहा मैं, समान महत्वपूर्ण है जो न्यायचित न्याय जो कि पुस्तकों को कैसे जाने और कैसे पढ़े इसके बारे में बता रहे हैं हम आज। कुछ पुस्तकें आंशिक रूप से पढ़े जाने के लिए होती हैं, कुछ को शीघ्रता से पढ़ा जाए और कुछ अन्य पुस्तकें धीरे धीरे पढ़े जाने और विचार किए जाने के लिए होती हैं, अर्थात कुछ पुस्तकों को केवल आंशिक ढंग से पढ़ा जाना चाहिए, कुछ दूसरी पुस्तक को पूर्ण कर अधिक जिज्ञासा से नहीं पढ़ना चाहिए, और कुछ पुस्तकें सारी तथा बड़े परिश्रम में सावधानी से पढ़ी जानी चाहिए।
तो ये चीज़ इसमें है। और नंबर 7 है लेस इम्पोर्टेंट बुक्स, यानी कि कम आवश्यक किताबें। तो कम आवश्यक किताबें कहाँ कहाँ हैं, यानी कि कुछ पुस्तकों को किसी सेवक से भी पढ़वाया जा सकता है और उसमें सारांश किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा एक प्रकार से निकलवाया जा सकता है। लेकिन यह सब महत्वपूर्ण वाले जो तर्क हैं, उन तर्कों को जो सूक्ष्म प्रकार की पुस्तकों के लिए ही होना चाहिए, अन्यथा ये जो वास्तविक वस्तुएं हैं या इनसे संबंधित पुस्तकें हैं उनके रूप में, अर्थात जिनके सारा दूसरों के द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो आसक्ति जल के समान होते हैं, अर्थात स्वाद रहित वे निरर्थक हो जाते हैं। तो इसलिए पुस्तकों का ज्ञान थोड़ा थोड़ा अपने दिमाग में रखते जाएंगे और उसका अध्ययन करते जाएंगे। तो इसलिए पुस्तकों का ज्ञान, पुस्तकों के ज्ञान से नॉलेज बढ़ता है। तरह तरह के ग्रंथ हैं, ग्रंथ भी पढ़ते हैं लोग, पौराणिक ग्रंथ पढ़ते हैं, तो उनसे भी क्या होता है, ज्ञान बढ़ता है। तो इसलिए पुस्तकें बच्चों के लिए या आम आदमी के लिए जो है बेकार नहीं होती, लाभ के लिए एक प्रकार से लाभकारी ही होती हैं। ये तो मैं पुस्तकों के बारे में बताया, आज का टॉपिक ये था। इसके बाद में अगला टॉपिक मैं अभी इसी वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ। तो अगला टॉपिक है बेकन एज एन एसिस्ट। तो एक एसिस्ट के, बेकन एक निबंधकार के रूप में है, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो यूनिवर्सिटी के पेपर में प्रत्येक वर्ष, कभी कभी तो नहीं प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है और कहीं कहीं ये छूट जाता है, जैसे पिछले साल नहीं था, इस साल शायद आने की संभावना है इस क्वेश्चन की। तो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा परिक्रमा रखते हैं। तो इसमें पहले इंग्लिश वेरिजन के बारे में बताऊंगा, फिर हिंदी वेरिजन बताऊंगा। यानी कि बेकन एक निबंधकार के रूप में, निबंधकार के रूप में क्यों है, एसिस्ट के रूप में क्यों है, क्योंकि उनकी जो महत्ता है ज़्यादा से ज़्यादा निबंधों की है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने निबंध लिखे हैं। तो इसलिए सबसे पहले मैं इंग्लिश वेरिजन, फर्स्ट इंट्रोडक्शन। बेकन वॉज प्रोज राइटर ऑफ द लेट 16th एंड 17th सेंचुरी बिटवीन। ही वॉज ए प्रोफाउंड स्कॉलर एंड रेंज ऑफ हिज इंटरेस्ट वॉज एस्टोनिशिंगली वाइड एंड वास्ट। ही वॉज ए लायर एंड ए स्टेट्समैन बाई प्रोफेशन, ए रॉयलिस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड ए साइंटिस्ट बाई डिस्पोजिशन। एज सच ही वॉज गिफ्टेड विद कीन ऑब्जर्वेशन एंड ए वेरी एनालिटिकल इंटेलेक्ट। नंबर नेक्स्ट, बेकन्स ग्रेटनेस। बेकन्स रियल ग्रेटनेस लाइज इन द इंट्रोड्यूसिंग इन टू इंग्लिश लिटरेचर ए न्यू स्पाइसिस ऑफ राइटिंग फ्रॉम फ्रांस। कार्ड द एसे ही इज देयर फॉर राइटली कार्ड द फादर ऑफ इंग्लिश एसे। हिज पर्सनल कंट्रीब्यूशन ऑफ द एसे फ्रॉम इज ऑल्सो कंसिडरेबल। एज एन एसिस्ट बेकन एम एट ए क्लियर एक्सप्रेशन एंड नोट इट एनी फाइननेस और द एफेक्शन ऑफ प्रोज। नंबर फर्स्ट, फादर ऑफ इंग्लिश एसे बेकन इज एंडेवरेटेड टू मॉन्टेग एंड हु वॉज द सेलिब्रेटेड फ्रेंच एसिस्ट ऑफ हिज टाइम। ही बोरोड द आइडिया ऑफ एसे राइटिंग फ्रॉम हिम। बेकन वॉज द फर्स्ट एसिस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर, सो ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश एसे। नंबर टू, इम्पैक्ट ऑफ लैटिन। इन द डेज ऑफ बेकन लैटिन वॉज द लैंग्वेज ऑफ स्कॉलर्स
and the style of purpose writing was not appreciated by all. Bacon was a new shift to prose style. He used short sentences essay to understand. His essays are classified into two categories. Earlier essays, number first category, earlier essays, his first written essays are 10 in number. They are only the collection of brilliant aphorisms. He himself calls them. Beauty joining rather art than creation. In these days, so the essays, the sentences are short, crisp and sentimental. But each sentence has a weighty through each sentence contains to consider, but intelligent idea which can be expanded into a paragraph. Few examples are given below. Number A, reading makes a full man. Confidence, a ready man, and writing an exact man. Number B, studies serve for delight, for ornament, and for ability. Number second, letter essays. These are essays published in 1612 and 1625. They are about 48 in number. In these essays, a distinctive change in his style is noted. He has used conjunctions and connective clauses in them. There is frequent use of metaphors and similes. These essays are more current and concerning to all types of people in all times. Some examples are given below. Number A, virtues are like precious odors, most fragrant when they are caused of crust. Number B, suspicion among thoughts are like bats among birds, and they fly best by twilight. Number C, it is heaven upon earth to have a man's mind woven in charity, and rest in prudence, and turn upon the poles of truth. Thus Bacon writes on the subjects in which even the ordinary men are interested, and the language which everybody understands. Bacon is the first English essayist, and four-year mass and white of genius are greatest. तो ये तो था इंग्लिश वेरिजन, अब बताता हूँ मैं हिंदी वेरिजन इसका. बेकन एक निबंधकार के रूप में क्यों है ये मैं बताना चाहता हूँ. तो इंट्रोडक्शन, परिचय है इसका. बेकन एक गद्य की 16वीं और 17वीं शताब्दी के लेखक माने जाते हैं. वह एक प्रसिद्ध वेत्ता विद्वान तथा उनके आकर्षण का विस्तार था, तथा उनका आकर्षण किनारा और विशाल था, और वह एक वकील के रूप
वकील थे और अपने व्यवसाय के प्रति जागरूक, एक मानव इंसान, एक ईमानदार सदस्य के रूप में और एक आकर्षक वैज्ञानिक के रूप में। जैसा कि निरीक्षण के दौरान उसके उपहार की वो शैली है जिसमें उन्हें क्रम के अनुसार और वास्तविक विश्लेषण के अनुसार वो उत्सुकता मिली है जो होती है, यानी कि क्रम के अनुसार होती है, क्रम के अनुसार विधि विधान लिखे हुए हैं। ठीक उसी प्रकार से इसके बाद में आगे है बेकन ग्रेटनेस, यानी कि बेकन की महानता। बेकन की वास्तविक महानता उनके परिचयात्मक रूप से अंग्रेजी साहित्य की नई पीढ़ियां फ्रांस के लेखन की मांग है जिसे निबंध के रूप में जानते हैं, और वह है, जबकि ठीक ही है, अंग्रेजी निबंध के जन्मदाता माने जाते हैं, उसके अनिवार्य योगदान को निबंध के अनुसार ढल जाना अति आवश्यक होता है। उसका अनिवार्य योगदान निबंध की वो अनुमोदित स्थिति है जिसमें हम अपने आप को ढाल लेते हैं, उसके पर्यावरण को ढाल लेते हैं, उसके वातावरण को ढाल लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से बेकन का निबंधकार जो उद्देश्य है उनके उद्देश्य के रूप में स्पष्ट प्रभाव दिखलाई पड़ता है, और यही नहीं, कोई स्पष्ट या गद का प्रभाव प्रमुख रूप से दिखलाई पड़ता है जो निम्नलिखित है। नंबर फर्स्ट है इसमें, नंबर एक, फादर ऑफ इंग्लिश एसे, यानी कि अंग्रेजी निबंध के जन्मदाता बेकन, जो कि पर्याप्त रूप से उसके समय का फ्रेंच निबंधकार सरोकारी है। उसने निबंध लेखक की जो अपनी एक नई विचारधारा है, अपनी एक नई अभिव्यक्ति है, उस अभिव्यक्ति में ढाला है। तो बेकन अंग्रेजी साहित्य के प्रथम निबंधकार माने जाते हैं, इसलिए वह अंग्रेजी निबंध के जन्मदाता माने जाते हैं। दूसरा है इम्पैक्ट ऑफ लैटिन, लैटिन का प्रभाव। बेकन के दिनों में लैटिन भाषा विद्वानों की थी और गद का सार सभी के लिए पर्याप्त ना था। बेकन ने गद के सार को एक नई आकृति प्रदान की है और वह निबंध के रूप में सूक्ष्म वाक्यों का प्रयोग किया करता था। उसके निबंधकारों के दो वर्ग थे, दो ग्रुप थे। फर्स्ट है इसमें अर्लियर एसे, यानी कि शुरुआती निबंध। उसने सबसे पहले 10 निबंधों को लिखा, वे केवल स्पर्धात्मक संस्करण के रूप में हैं। वे स्वयं उन्हें पुकारते हैं दया के वे बिंदु जिनका सामूहिक दृष्टिकोण अपेक्षित है, न कि अत्यंत वैकल्पिक। इन निबंधों में वाक्य लघु, संक्षिप्त और सरल है, लेकिन प्रत्येक वाक्य विचारों के रूप में है। प्रत्येक वाक्य उनकी स्पष्ट परिस्थिति में शामिल होकर विचरण करते हैं, लेकिन बुद्धिशाली विचार जो कि गद के रूप में फैला है, इसके कुछ उदाहरण भी हैं। पहला उदाहरण है, पढ़ने वाला आदमी एक पूर्ण अभिव्यक्ति के रूप में है, सम्मेलन है तो तैयार रहता है, और वास्तविक आदमी का यही भी लेखन, यह लेखन भी है। इसके बाद में नंबर बी है, अध्ययन सेवा छुट्टियों के लिए है, आभूषण के लिए है और योग्यताओं के लिए है, अर्थात अध्ययन प्रसन्नता बढ़ाने, व्यक्तित्व का विकास करने और योग्यता बढ़ाने में सहायक होता है। इसके बाद में आता है सेकंड पार्ट इसका, लेटर एसे, बाद के निबंध। ये निबंध 1612 से 1612 और 1625 ईस्वी में प्रकाशित किए गए थे, और वे संख्या में कितने थे, 48 थे, 48। इन निबंधों में एक पर्याप्त परिवर्तन जो कि उनके सार में लिखा है, वह कन्फेशन के रूप में प्रयोग किया करते थे और संबंधित क्लोजिस का उनमें प्रयोग किया जाता था, और यह एक सिमलीज और मेटाफर के अलंकारों के रूप में भी प्रयोग होते थे। वे निबंध अत्यधिक धारा और निर्धारित हैं तथा पूरे वाक्य या पूरे समय लोगों को
की किस्मों को देखा जाता है, लोगों की स्थितियों को देखा जाता है, और कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं इनके। पहला है इसमें ए है इसमें गुणों को बहुमूल्य तथ्यों को के रूप में पसंद है, और जब वे कारण के रूप में हों या अभिशाप के रूप में तब भी उनमें देखा जाता है कि कहाँ कमियाँ हैं। उन कमियों को एक प्रकार से ढूंढा जाता है और उन कमियों का निराकरण भी किया जाता है। इसके बाद में नंबर बी है संदेहपूर्ण विचारों के बीच पक्षी जो उड़ते हुए फड़फड़ाने की कलात्मक अभिव्यक्ति है वो अभिव्यक्ति भी मानी जाती है, यानी कि व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष करते हुए भी पाता है, ये चीज इसमें बताई गई है। सी है इसमें तीसरा पृथ्वी पर स्वर्ग के रूप में है यदि अपने आप में विश्वास बनाने की कसमें खाई हों, उपलब्धि पूर्वक स्थिति को नजरअंदाज करने की दशा में और सच्चाई के ध्रुव के रूप में बदलाव है। तो इस प्रकार बेकन उन विषयों पर लिखता है जो सामान्य आदमी की दिनचर्या को देखा है, और उस भाषा में जहाँ प्रत्येक व्यक्ति समझता है। बेकन का प्रथम निबंध अंग्रेजी में है और उपलब्धिपूर्ण द्रव्यमान की वो मांग है जहाँ पर उनको द्रव्यमान आत्मा और महानता के रूप में दिखलाई पड़ती है। तो ये चीज इसमें थी, इस टॉपिक में थी। तो अगला है आपका जो इस टॉपिक तीसरा रह रहा है इसमें लास्ट का है, तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है ये ज़्यादातर, और बेकन प्रोज स्टाइल के बारे में। तो बेकन की प्रोज स्टाइल क्या है, बेकन का प्रोज का जो सार है वो क्या है वो मैं बताना चाहता हूँ। तो बेकन की प्रोज स्टाइल पहले इंग्लिश वर्जन फिर हिंदी वर्जन बताऊंगा, क्योंकि लिखना तो इंग्लिश में पड़ेगा तो इंग्लिश में इसलिए बोल रहा हूँ, फिर मैं हिंदी में बताऊंगा। तो डिस्कस बेकन प्रोज स्टाइल, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है जो ज़्यादातर परीक्षा में आती है। कभी कभी ये लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आ जाता है 15 नंबर में, कभी कभी ये यहाँ ये आ जाता है 5 नंबर में आ जाता है, कभी कभी ये 7.5 नंबर में, यानी कि 7.5-7 नंबर के दो शॉर्ट नोट्स लिखे जाते हैं, तो उसमें से है। बेकन प्रोज स्टाइल इज ब्रिलियंट बाई रीजन ऑफ इट्स ब्रेविटी एंड एग्रीमेंट एंड एम्फेसिस इज बैलेंस ऑफ सेंटेंसेस मैन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिज प्रोज स्टाइल आर एज अंडर नंबर फर्स्ट थेगिवेटी हिज प्रोज स्टाइल इज मेड पिक्चर्स क्यू बाई द एम्प्लॉयमेंट ऑफ थेगिवेटिव लैंग्वेज फॉर नेचुरल एबिलिटीज आर लाइक नेचुरल प्लांट्स That need pruning by study. His observations are concise, grave and enigmatic, and so they make great lasting impression on the reader's mind. Number second, Latinism. Latin was the language of scholars in the days of Bacon. So Bacon frequently used Latin words in his essays, and sometimes they are too different to understand. Number three, lucidity. His style is suitable for all occasions and for all people. He is clear, terse and easy to understand. In easy early writing, Bacon was pithy and sententious. But in his later essays, we wrote his elaborate paraphernalia, personal belonging, ornamentation and imagery. Number four, use of figures of speech. Bacon is the master of simile and metaphor. His
Similes and metaphors are not dull, they are charming, striking and thrilling. Number 5, suitable for all occasions. तो इसमें ओकेजन जो बने हैं, कौन कौन से ओकेजन्स बने हैं, सुटेबल फॉर ऑल ओकेजन्स के बारे में बता रहा मैं इसमें. तो सुटेबल फॉर ऑल ओकेजन्स के बारे में बैकन प्रोज स्टाइल इज सुटेड फॉर ऑल ओकेजनल ऑन डिग्निफाइड सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल ट्रूथ और द ऑर्डिनरी सब्जेक्ट और द गार्डनिंग. तो ये तो था इंग्लिश वेरिजन. अब हिंदी वेरिजन बताता हूँ मैं इसका. शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है. सो दिस इज टॉपिक इज बेकन प्रोज स्टाइल. बेकन की प्रोज का सार. बेकन की प्रोज स्टाइल किसी महान कारणों के द्वारा उसकी वीरता है और वीरता के साथ साथ व्यवहारिक उपहार और वाक्यों का संतुलन भी माना जाता है. मुख्य चरित्र या विशेषताएं उनके गद्य सार का निम्नलिखित है. नंबर 1 है फिगरेटिव. फिगरेटिव का मतलब फिगर से बना है, आकृति सार के रूप में. उसका प्रोज सार चित्रात्मक रूप में, रोजगार की रेखे भाषा के रूप में, प्राकृतिक योग्यता के लिए प्राकृतिक पौधे के रूप में, ज्ञान को उनकी योग्यताओं के रूप में. इस प्रकार काट छाट की आवश्यकता होती है, जिस प्रकार पौधे को काट छाट करके तैयार किया जाता है, उसी प्रकार उसके अध्ययन के लिए योग्यताओं में वृद्धि करनी चाहिए. उसका निरीक्षण पर्याप्त दुख भरा और चित्रित है, जो कि उनको पूर्ण बनाता है और अग्रिम प्रभाव के पाठकों के दिमाग को उनके दिमाग में छोड़ता है या पाठक के दिमाग में लाता है. पाठक पढ़ता है उस चीज को तो उससे उनके दिमाग में वो बात आ जाती है. जिसके बाद में है लैटिनिज्म, यानी कि लैटिन भाषा के प्रचारक. लैटिन भाषा के विद्वानों की बैकन के रूप में प्रमुख प्रवृत्ति थी. बैकन ने भी सामान्य रूप से अपने विशेष निबंधों में कुछ समय के लिए उन्होंने कठिनाई को दूर करने के लिए समझाया है. नंबर 3 है लूसिडिटी, परिपक्वता. उसकी सार समाप्त उत्सव, सम्रांत उत्सव और समस्त लोगों के लिए आसानी से उन्हें समझाने के लिए है. उसके अतिशीघ्र लेखन में बेकन के दयावादी विचार शैली में उसे माना जाता है. लेकिन उसके बाद के निबंधों में हम अपने सामान्य कथनों में उसकी अनिवार्यता को आकर्षण और कल्पनाओं के रूप में निर्धारित करते हैं. इसके बाद में नंबर 4 है यूज ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच, अलंकारों का प्रयोग. बेकन सिमली और मेटाफर के मास्टर माने जाते हैं. उनको दोनों अलंकार बेकार नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ अलंकृत हैं वे. आकर्षित और चमकीले और आकर्षण से रहित हैं. नंबर 6 है सूटेबल फॉर ऑल ओकेजन. सूटेबल फॉर ओकेजन सभी उत्सवों के लिए समर्थ हैं और बेकन की प्रोज का सार समक्ष है और सभी उत्सवों के लिए जो क्लबिप्रक अवस्था है उस अवस्था के रूप में. फॉर एग्जाम्पल सच्चाई, सत्य बोलने वाले और सामान्य विषयों पर प्राकृतिक रूप पौधे की काट छाट करके वो हरा भरा बगीचा तैयार करना है, जो जीवन की खुशियों के साथ साथ सभी प्रकार के त्योहारों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सके. तो ये तो था आज का प्रोज स्टाइल टॉपिक और हम इसे अपने व्यवहारिक जीवन में कैसे ढालते हैं उनकी प्रोज स्टाइल को देख करके. और प्रोज स्टाइल का मतलब है बेकन की ज़्यादा से ज़्यादा स्टाइल को देख करके. तो इसलिए
आज इस वीडियो को देख करके आप अपना जो है निर्धारित कर लें, अपनी तैयारी कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा बेटर रहेगा ये आपके लिए। और इस वीडियो में आज का इतना ही। थैंक यू।